What is up everybody? Right now One Piece के अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, literally. नया एपिसोड के आने पर इतने सारे खुलासे और जो नई ओपनिंग थी भाई उसने तो आग ही मचा दिया. स्पॉइलर ही स्पॉइलर है उसके अंदर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को आगाह कर दूं, बता दूं कि इस वीडियो के अंदर है बहुत सारे मैसिव स्पॉइलर्स. सो अगर तुम लोग वन पीस के 136 एपिसोड से अपडेटेड नहीं हो, मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम उस वीडियो से 50% स्पॉइल हो जाओगे. वैसे तो हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उस पहले एपिसोड से हम लोग कुछ फैक्ट्स को उठाएंगे जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. सो आई थिंक तुम लोग स्पॉइल हो जाओगे. सो प्लीज अगर तुम लोग वन पीस से अपडेटेड नहीं हो तो पहले हो जाओ वन पीस से अपडेटेड, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना. वन पीस के अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज तो है ही सही, लेकिन जब से वानो शुरू हुआ और भी मिस्ट्रीज आना शुरू हो गई. बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, जैसे कि इस वाले केज के अंदर एक कौन बंदा है जिसको इतना पावरफुल माना जाता है. लूफी किस टाइप की हकी की बात कर रहा है जो कि बहुत पावरफुल है, कि सिर्फ टच करने पर ही वो एनिमे को हवा में ही फ्लाई करने पहुंचा देती है या नॉकआउट कर देती है. मोमोनोसुके की लिटिल सिस्टर कौन है और क्या वो जिंदा भी है? इस वीडियो में वही सब चीजें हैं ब्रो, जो भी हमको अभी तक पता चला है, जितनी भी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है जो वानो के अंदर क्रिएट हुई थी उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी दो एपिसोड पहले जो रीसेंट ओपनिंग आई है भाई उसने आग लगा दिया, क्योंकि उसके अंदर स्पॉइलर ही स्पॉइलर है भर भर के. बट ऑफकोर्स आप ओपनिंग से गेस नहीं कर सकते कि आगे वाले सीन में क्या होने वाला है. बट ऑफकोर्स ओपनिंग में कुछ ना कुछ चीजें हमेशा छुपी होती है. इस बार ओपनिंग में जो सबसे मेन चीज छुपी हुई थी वो था लूफी का न्यू लुक. इस नए लुक में लूफी तुमको एक अलग टाइप का कुछ पहना हुआ दिखने वाला है और आई थिंक ये उसके ऊपर बहुत कूल लग रहा है. अब मैं तुमको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि वो किस टाइप का पहनेगा या किस टाइप के कलर्स का पहनेगा, क्योंकि मैं मांगा नहीं पढ़ रहा हूँ. मुझे सिर्फ एनिमे से अपडेटेड रहना अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई लव एनिमेशन ऑफ टोया एनिमेशन. क्योंकि मैं एनिमे को एनिमे स्टाइल में एंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि स्टोरी लाइन वाले स्टाइल में कि मैं मांगा पढ़ लूँ और बस एंजॉय. ना, मैं एनिमे देखूंगा और एनिमे से ही अपडेटेड रहूंगा. लेकिन अगर आपको मांगा रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और ध्यान रहे, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसा ही कॉन्टेंट लाता रहूं वन पीस के ऊपर, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक का एम कंप्लीट कर दो और साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट. नंबर 2, ऑल द सुपरनोवा आर इन वानो राइट नाउ. तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि एक्स ड्रैग, यूस्टस किड, लूफी, जोरो और एक दो और सुपरनोवा अभी वानो के अंदर है. सो व्हाट आई थिंक इनसे रिलेटेड हमको बहुत सारा स्टफ इस वानो आर्क में दिखने वाला है, जो कि मेन एक्चुअल बैटल में एक बहुत बड़ा रोल काम करेगा. सो मैं बता दूं कि कौन कौन सुपरनोवा इस वक्त वानो में अवेलेबल है. तो फर्स्ट है एक्स ड्रैग, उसके बाद है किलर, हॉकिंस, अपू, जोरो, यूस्टस किड एंड ऑफ कोर्स लूफी. पॉइंट नंबर 3, ब्लैक बियर्ड अपीयरेंस. देखो ब्लैक बियर्ड ऐसा बंदा है जो कि छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटीज को अपने अंदर लेना चाहता है, यहाँ तक कि वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ले सकता है. और जब काइडो वर्सेस लूफी होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक बियर्ड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देगा. क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि ब्लैक बियर्ड एक साथ दो डेविल फ्रूट यूज कर पा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने डेविल फ्रूट एक साथ यूज कर सकता है. हो सकता है वो 3 डेविल फ्रूट यूज कर सकता हो, क्योंकि उसका जो पायरेट सिंबल है उसमें 3 स्कल बने हुए हैं. सो ये बस एक रूमर है कि वो 3 डेविल फ्रूट यूज कर सकता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि फाइट एंड होने के बाद ब्लैक बियर्ड एंट्री मारेगा, जहां पर वो काइडो का डेविल फ्रूट चुराने के लिए आएगा, और उसके बाद से ही शायद काइडो वाला आर्क एंड होगा और ब्लैक बियर्ड का एक बिल्कुल ही नया आर्क शुरू हो जाए. सो इट जस्ट गेसिंग. देखो ओडा का कुछ नहीं कर सकते भाई, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी. फोर्थ पॉइंट, जिम्बे अपीयरेंस. तो लास्ट टाइम जिम्बे ने बोला था कि वो टाइम पर आ जाएगा वानो में. सो आई थिंक वो आ जाएगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट वाली ओपनिंग है उसमें जिम्बे का एक सीन बताया जिसमें कि वो कुछ फाइट वाइट कर रहा है, आई डोंट नो. सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जिम्बे एंड टाइम पर आने वाला है, और हर बार की तरह वो उसी टाइम पर आएगा जब फाइट चल रही होगी, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है. तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट डाउन करके मुझे बताओ. पॉइंट नंबर 5, गोल्डी रोजर पास. अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि गोल्डी रोजर के पास के बारे में हम बहुत कम चीजें जानते हैं, और एनिमे मांगा सब जगह बहुत कम चीजें हमको पता है. बट व्हाट आई थिंक इज वन आर्क के अंदर हमको गोल्डी रोजर का पास थोड़ा ज्यादा दिखने वाला है, मतलब कि हमको और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है गोल्डी रोजर के बारे में. क्योंकि वानो वो कंट्री जहां पर पॉनिक्लिफ बने थे, और जब तुम 4 पॉनिक्लिफ को ढूंढ लेते हो तब तुम राफ्टर पर पहुंचते हो, राफ्टर पर गोल्डी रोजर का खजाना है. तो जाहिर सी बात है
मतलब बहुत सारी चीजें जब रॉजर से कनेक्टेड है तो उसके पास के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी झलक तो मिल ही जाएगी। पॉइंट नंबर 6, लॉ ब्रेकिंग अलायंस। इस चीज के रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे कि लॉ अलायंस को ब्रेक करने वाला है, लेकिन वो कैसे करने वाला है इससे रिलेटेड हमारे पास कोई स्टफ उस वक्त में अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस वक्त में हमारे पास स्टफ अवेलेबल है। जैसे कि इस एपिसोड में सिनोबू ने लॉ के ऊपर एलिगेशन लगाए या कहूं कि शक करा कि उसके जो क्रूमेट्स जो कि पकड़ा गए थे काइडो के द्वारा, उन लोगों ने सारी चीजें रिवील कर दी है उनके प्लान के बारे में। सो लॉ बहुत ही गुस्से में गया था, उसने बोला था कि ये बात मैं रिमेम्बर रखूंगा। सो मुझे लगता है कि यहीं से एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा वॉर के अंदर, जहां पर लॉ शायद धोखा दे दे लूफी को, बट हम कुछ कह नहीं सकते अभी। पॉइंट नंबर 7, मॉन्स्टर ट्रायो टुगेदर। जैसे कि रिसेंट ओपनिंग में हमको पता चला कि मॉन्स्टर ट्रायो साथ में लड़ रहा है, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ कि मॉन्स्टर ट्रायो साथ में लड़ रहा है, मतलब वो सिर्फ तीन लोग किसी से लड़ रहे हो। भाई वो सीन बहुत एपिक होगा जब ये तीन लोग किसी फाइट में जाएंगे, इट्स गोना बी बैड एस। पॉइंट नंबर 8, बिग मॉम अपेरेंस। ऑफकोर्स जैसे बिग मॉम वानों में आती है उसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसको कुछ याद नहीं रहता है कि वो कौन है क्या है, लेकिन रिसेंट ओपनिंग में ये भी पता चला कि बिग मॉम की याददाश्त वापस आएगी। अब वो कब आएगी, वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ इन दिस एपिसोड, मे बी नेक्स्ट एपिसोड में आ जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब बिग मॉम की याददाश्त वापस आएगी तो चॉपर का क्या रिएक्शन होगा, मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पॉइंट नंबर 9, लूफी एंड काइडो रीमैच। जैसे कि रिसेंट ओपनिंग में हमको ये भी पता चला कि लूफी और काइडो का शायद रीमैच होने वाला है अगेन फिर से, और इस बार लूफी कोई नई टाइप की पावर यूज कर रहा है। अब वो पावर क्या है मैं वीडियो के थोड़े आगे वाले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वी नो लूफी अगर बोला कि उसको रीमैच करना है तो, और हम लोग लूफी को जानते हैं कि कैसे अगर वो किसी चीज के लिए पीछे पड़ जाता है तो बस पड़ जाता है। जैसे कि उसको उसके क्रू में एक म्यूजिशियन चाहिए था, तो बस उसको चाहिए था, उसके क्रू में दूसरे मेंबर्स आते गए लेकिन उसको तब भी एक म्यूजिशियन ही चाहिए था। इस तरीके से मुझे लगता है कि लूफी और काइडो का एक रीमैच मिलने वाला है को इन नियर फ्यूचर एपिसोड्स। पॉइंट नंबर 10, मोमोनोसुके सिस्टर। अब देखो मोमोनोसुके की एक सिस्टर भी है, उसकी एक यंगर सिस्टर, बट हमको अभी तक नहीं पता था कि उसकी यंगर सिस्टर कहां पर है और क्या कर रही है, लेकिन पिछले कुछ एपिसोड में ये बात क्लियर हो गई कि इसकी यंगर सिस्टर कौन है। उसकी यंगर सिस्टर ये, अब मेरे को इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को किसी के नाम की मां बहन नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 11, हु इज इन दिस केज। जब से लूफी कैप्चर हुआ है बाय काइडो, उसके बाद एक केज वाला सीन आता है जहां पे हर गार्ड और हर गिफ्टर पास जाने से भी डरता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको सिर्फ केज में ही रखा जाता है और वहीं पर उसे खाना भी दिया जाता है। वो शायद इतना पावरफुल है कि उसको बाहर नहीं निकाला जाता और उससे कोई काम भी नहीं करवाया जाता, लेकिन ये बंदा कौन है ये इस एपिसोड में हमको जरूर पता चल गया। ये बंदा एक कोप्पा है। अब ये क्या है इसके लिए तुमको एपिसोड तो देखना होगा, और अगर ऑलरेडी जानते हो तो कमेंट डाउन करो तुम क्या सोचते हो इस सीन के बारे में। और ये बंदा वेट कर रहा है कि जब एक्चुअल फाइट स्टार्ट होगी ये केज तोड़ेगा बाहर निकलेगा और क्या बैटल में हिस्सा लेगा। पॉइंट नंबर 12, अकाजाया 9। अगर मैं इसका ना थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक जो हम एनिमे से जानते हैं उससे हमको यही पता चला है कि इसके सिर्फ अभी तक 6 मेंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक्चुअली 7 हुए हैं, लेकिन उसने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया अकाजाया को। तो जो ये मेंबर्स है वो है कियमोन, कांजुरु, राइजो, ओकिकू, डॉगस्टॉर्म, कैट वाइपर, और जो मेंबर हमको अभी तक नहीं पता है वो है डो मेंबर। अब क्योंकि एक मेंबर के बारे में हमको ऑलरेडी पता है वो है आशुरा डोजी, और जो दो मेंबर जिनके नाम है कावामात्सु और डेंजिरो, अब इन दो मेंबर का हमको अभी तक ढंग से इंट्रोड्यूक्शन नहीं हुआ है तो हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अभी भी बैटल प्रिपरेशन चल रही है और मेंबर्स अभी भी ज्वाइन हो गए, मतलब कि ये एपिसोड कुछ और टाइम तक बैटल प्रिपरेशन चलेगा, उसके बाद जा करके एक्चुअल वॉर की प्लानिंग स्टार्ट होगी। नंबर 13, अब जो ओल्ड मैन हायो है जो कि लूफी के साथ में इस वक्त केज के अंदर फाइट कर रहा है, वो एक एक्चुअली बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, वो तुम एनिमे में देखना कि वो कौन है, बट इसके पास इसके खुद के कुछ सीक्रेट्स है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने लूफी को एक न्यू टाइप की हाकी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि ये हाकी इतनी पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ इससे टच भी करोगे तो आप एनिमीज को उड़ा सकते हो हवे में लिटरली। अब बात ये आती है कि लूफी इसको कैसे सीखेगा और ये काम कैसे करती है, इसके रिलेटेड हमको पास अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आई नो हमको कुछ एपिसोड बाद इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, या हो सकता है हमको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाए तो मैं भी तुमको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बैक टू द पॉइंट 14, लूफी न्यू पावर। अब द ओल्ड मैन हायो ने लूफी को जो नई चीज सिखाई है
लूफी इसको कैसे यूज करेगा। अब मैं पहले ही बता दूं, ये चीज इतनी पावरफुल है कि लास्ट टाइम जब इसको यूज करा गया था काइडो के ऊपर, तब काइडो के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कार आ गया था और वो स्कार अभी भी है सिर्फ वन पंच से। तो तुम सोच सकते हो कि कितनी पावरफुल होगी अगर इसको लूफी यूज करेगा उसके फुल पोटेंशियल पे, तो मे बी वन ऑन वन फाइट में लूफी काइडो को डिफीट कर पाए या फिर नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। लेकिन जोरो से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जोरो ने उसका फुल पोटेंशियल अभी तक रिलीज नहीं करा है, और हो सकता है कि जब मॉन्स्टर ट्रायो एक साथ काइडो से लड़े और ये मॉन्स्टर ट्रायो मिल करके काइडो को डिफीट कर दे और ये वॉर का एंड हो जाए। मैं तो सीनरे के बारे में सोच रहा हूँ, जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट हो जाएगी तब सीनरे किस टाइप का दिखेगा। सो इसके लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये बन दी कि लास्ट टाइम जब फिशमैन आइलैंड पे लूफी क्रू वर्सेस फिशमैन वाला हुआ था, तुम उस सीन को कैलकुलेट कर लो इनटू 1000, उस टाइप का कुछ सीन हमको नजर आने वाला है जिसमें कि लूफी या मॉन्स्टर ट्रायो हमको काइडो से लड़ते हुए दिखने वाला है। बाकी के कैरेक्टर कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ लड़ रहे होंगे और मे बी जिम्बे अभी तब तक वहां पर पहुंच चुका होगा, लूफी का ग्रैंड फ्लीट वहां पे मौजूद होगा और बाकी के कैरेक्टर्स भी दूसरे बड़े कैरेक्टर्स के साथ में लड़ रहे होंगे। और अगर उस दिन फुल मून रहा तो रात में हमको डॉग स्टॉर्म और कैट पाइपर का एक बहुत ही बैड एस लुक दिखने वाला है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गया हम उस लुक से। सो बस आज के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन देंगे था, आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हो और चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो सपोर्ट दिखाओ भाई, सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, मैं एम करता हूँ 100 लाइक के लिए। और हम लोग हर वीक जब भी नया एपिसोड आएगा तब इसी टाइप का एक डिस्कशन वीडियो आपके सामने लाएंगे। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक।